दोस्तों, जब कभी आप रिएक्शंस कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में, जब दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको दो टर्म्स अक्सर परेशान करता होगा। एक होता है वैलेंसी और दूसरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों टर्म्स सुनने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली अलग होते हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं। बहुत टाइम में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह वैलेंसी यूज कर लेते हैं, वैलेंसी की जगह पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझाने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों टर्म्स में कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में और देखते हैं कि आखिर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है समझना, वो है एटम के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं उसी एटम की बात कर रहा हूं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हम लोग को पता है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं, शेल होते हैं। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग का अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को देखा जाए तो वो होता है एटम। तो एटम को पहले हमें स्टडी करना होगा, क्योंकि एटम से ही रिलेटेड टर्म्स हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप एटम को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ये चीजें आपको अभी 2 से 4 मिनट में खुद ब खुद आपको भी समझ में आ जानी है कि किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एटम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एटम नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ा था एटम, जो कभी नहीं टूट सके, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए गए। जब उसको और अच्छे से देखा गया, एटम को एकदम से ध्यान से जब देखा गया, बहुत स्टडी किया गया, तो फिर उसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हमें। और वो पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिले, वो उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो आप ड्राइंग देख पाएंगे, ये मैंने एक एटम को बनाने की कोशिश किया है। अब आप ड्राइंग देख के सोचेंगे कि इतना बड़ा एटम कैसे, अभी तो मैंने कहा ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो दोस्तों, इसे मैंने कोशिश किया है थोड़ा जूम्ड व्यू में आप लोग को दिखाने का। तो एटम को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। अब इनमें से क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा सा एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, एटम के अंदर में, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने 3 बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे, तो दोस्तों जैसे आप जानते होंगे कि सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में, सन के चारों ओर जिस तरह से सारे प्लैनेट्स अपने प्रॉपर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरह से एटम में भी इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रॉपर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सोलर सिस्टम में जो रास्ते में घूम रहा होता है बाकी प्लैनेट्स, वो रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और यहां पर एटम के केस में, जिस ऑर्बिट में, जिस रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं शेल। उसे क्या कहते हैं हम लोग, शेल। तो एटम के चारों ओर, यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होते हैं, और उन्हीं सेल्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हो गए, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर के सेल्स में हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, तो एटम के चारों ओर जो सेल्स होंगे वो भी उतने अधिक हो जाएंगे, क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो जैसे मैंने बताया कि ये अपने सेल्स में रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने अधिक बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो दोस्तों? अब देखिए एक बात, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं,
उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हम लोग सबका एक प्रॉपर नंबर होता है ना, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने हमारे लिए एक आधार नंबर ये कर दिया है। आधार नंबर क्या है? आधार नंबर इशू इसीलिए किया गया कि आधार नंबर आपका आइडेंटिटी है, आपका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिससे आप पहचाने जाते हैं। उसी तरह से हर एक एटम में एक एटॉमिक नंबर होता है जिससे वो पहचाना जाता है। तो हर एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होगा, तो कहेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे मैंने लिखा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं तो क्यों नहीं हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कभी जब रिएक्ट कर रहा होता है, जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आके जब रिएक्ट कर रहा होता है, तो ये एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स कभी कभार बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ घट सकता है, इसीलिए ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी ना। अगर आइडेंटिटी नंबर, सोचिए कि यदि आपका आधार नंबर चेंज होता रहे तो क्या आपका ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा? ये कभी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं। ये प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में एकदम सेफली अपने आप को स्टेबल किया रहता है, अपने आप को वहां पर प्लेस किया रहता है, इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करते हैं एज अ एटॉमिक नंबर। क्लियर हो दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स कभी छोड़ के चले जाते हैं या जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं किसी एटम में, तो फिर क्या होता है और ये कब छोड़ के जाते हैं और कब ये इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों ये बात करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि किस किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हर एक शेल के अपने एक नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेल को के शेल कहा जाता है, फर्स्ट सेल को के शेल कहा जाता है, दूसरे को एल कहा जाता है, तीसरे को एम कहा जाता है, इस तरह से ये चलता जाता है। फर्स्ट सेल को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाता है। हालांकि एम एन ओ पी पी तक ज्यादा से ज्यादा जाता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? क्या इस पहले शेल में जितना मन करे उतना इलेक्ट्रॉन्स डाला जा सकता है? क्या दूसरे सेल में जितना मन करे उतना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? इसके एक प्रॉपर रूल है। हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एक प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं। हर एक एटम में एक प्रॉपर रूल के अनुसार ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड होते हैं। जिस तरह एक फिक्स रूल बना हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर होगा, उसी तरह से यहां पर भी इस शेल्स के अपने एक प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं कि किस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो रूल को फॉलो करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है 2n2। ये 2n2 ही दिखा रहा होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ये 2n2 क्या है दोस्तों? यहां पर जो n है नंबर ऑफ शेल, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें आप प्लेस करके देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लेते हैं अगर पहला शेल में आप देखना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n के जगह पे 1 पुट कीजिए। तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। यानी उस हिसाब से हो गया पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस n के जगह पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड सेल का हमको पता करना है कि सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर अगर 2 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, तो l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से अगर थर्ड सेल की बात करें तो 3 रखेंगे यहां पर, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 9 2 18, तो थर्ड सेल में 18। इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लेस करते हैं। दोस्तों अगर किसी एटम को लिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 17 है, तो कौन से एटम का एटॉमिक नंबर 17 होता है? ये होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन को अगर हम लोग लेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अभी 17 का मतलब क्या हुआ? 17 का मतलब हो गया 17 प्रोटॉन्स होता है, क्योंकि हमने लिखा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। अगर प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, डेफिनेटली 17 होंगे, जो कि मैंने यहां लिख रखा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 17 है। तो अब मुझे पुट करना है कि किस किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहला शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने यहां पर देखा है कि पहला शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया ना। अब थर्ड सेल में होना चाहिए था 18 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में कितना होना चाहिए था, 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास बचा कितना, पहला में 2 पुट कर दिए, दूसरे में 8 पुट कर दिए, तो 2 और 8 10 हो गया, बच गया 7। तो थर्ड सेल के लिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही बचे, थर्ड सेल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ही बचे, जबकि होना चाहिए था कितना, 18 होना चाहिए था, बचा है कितना, 7 बचा है। तो दोस्तों किसी भी एटम का, यहां से अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एटम के बाहरी शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? तो उस हिसाब से ये क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, क्योंकि मैंने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये 7 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर हम लोग लें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। इसे भी हम लोग तोड़ के देखते हैं क्या होता है, 2 8 2, यानी कि 2 क्या था, पहले शेल में के सेल में अपना 2 कंप्लीट कर लिया, एल सेल में कितना होगा, 8 हो जाएगा, एम सेल में कितना होगा, 2 ही होगा, जबकि एम सेल में आना चाहिए था कितना, 18 आना चाहिए था। तो फिर से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कह सकते हैं कि ये इस मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। तो होप दोस्तों आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम से समझ में आ गया होगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वैलेंसी की तरफ। दोस्तों एटम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होता है कि कभी भी किसी भी एटम के साथ या किसी मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो रिएक्ट करता है, जब वो बॉन्डिंग करता है, तो चाहता है कि मेरा जो शेल अधूरा है वो पूरा हो जाए, मेरा जो ऑक्टेट अधूरा है वो किसी भी हाल में पूरा हो जाए। अगर वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ये किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है और अगर इसका शेल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वहां पर रिएक्ट ये करेगा ही नहीं, ये रिएक्ट तभी करेगा जब इसके अपने शेल कंप्लीट हो जाए, इनके अपने ऑक्टेट पूरे हो जाए। अगर ये अपने शेल को कंप्लीट नहीं करेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक एटम है, ये किसी दूसरे एटम के साथ बोले कि भाई हम तुम्हारे साथ रिएक्ट तो कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि हमारे जो अधूरे ऑक्टेट्स हैं, हमारे जो अधूरे ऑर्बिट्स हैं, जो बेकार में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो कम पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें मुझे उतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे हमारे ऑर्बिट्स कंप्लीट हो जाए, जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। हर एक एटम चाहता है स्टेबल होना, तो वो स्टेबिलिटी कब आएगी, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इसी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में क्या है, 2 8 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 था, सेकंड सेल में 8 था और थर्ड सेल में 2 था। तो ये क्या चाहेगा, थर्ड सेल को कंप्लीट करना। तो थर्ड सेल कंप्लीट कब होगा, जब इसके पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल कंप्लीट कब होगा, जब इसके पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक और ऑप्शन है इसके पास अपने आप को स्टेबल करने का, वो ये है कि क्यों ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे और अपने शेल में, अपने 2 ही शेल में ये खुश हो जाए। अगर ये इस 2 वाले शेल को, यानी कि M सेल को कंप्लीट करना चाहता है, तो इसे 18 पूरा करना पड़ेगा, 2 है और 16 लेके आना पड़ेगा, तो ये पूरा कर सकता है। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि इस 2 को छोड़ दे और अपने ये 2 ही शेल में खुश हो जाए, के और एल सेल में ही वो खुश हो जाए, के और एल सेल में आके अपने आप को स्टेबल कर ले। दोनों ऑप्शन है। अब एक और एग्जांपल जो अभी मैंने क्लोरीन का लिया था, तो क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है भाई, क्लोरीन अपना के सेल कंप्लीट रखा है, एल सेल कंप्लीट रखा है, लेकिन एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो यहां पे उसे खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो 18 पूरा करना पड़ेगा या तो 7 छोड़ देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बार बार 18 18 कह रहा हूं, लेकिन आपको फिलहाल क्लास 10 तक में इस 18 के जगह पे आप अगर 8 भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब 18 के जगह पे 8 क्यों लेंगे ये आपको नेक्स्ट के वीडियोस में बताऊंगा कि ये सेल के अंदर जो सब सेल्स होते हैं उसके पीछे के क्या क्या कहानियां हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने 18 के जगह पे इसमें 8 लिया, एम सेल में क्यों मैंने 18 के जगह पे 8 लिया, ये आप उस समय समझ जाएंगे जब मैं सेल और सब सेल्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल अभी जानिए कि इस 18 के जगह पे 8 ही। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो पहला सेल 2 कंप्लीट कर लिया, दूसरा सेल में 8 कंप्लीट कर लिया, तीसरा सेल में 7 है। इसे तीसरा सेल कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 18 के जगह पे 8 लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसे जरूरत है। और अगर इसको अपने दो ही सेल में खुश होना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 छोड़ना पड़ेगा, 7 लूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा, एक किसी से ले लेना या 7 छोड़ देना। ऑब्वियसली इसको किसी से एक ले लेना ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इसको एक लेना पड़ेगा अपने सेल्स में कंप्लीटली अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा और इस मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो ये तब हो पाएगा दोस्तों जब ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान रहे। तो दोस्तों किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो टेंडेंसी होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा क्लोरीन के केस में तो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अभी मैंने समझाया कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इस क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 2A2, ये 2 इसे लूज करना पड़ेगा। अगर इसमें ये खुश होना चाहता है, इसमें अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो इसे 6 लेना पड़ेगा ना, यहां 8 पूरा करना है, मैंने अभी पहले ही बोला कि M में अभी फिलहाल 8 मानेंगे, तो इसे 6 लेना पड़ेगा। तो 6 लेना थोड़ा मुश्किल होगा इसे, उसके लिए बहुत एनर्जी जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वही हो जाएगा इसका वैलेंसी। तो इसके केस में हो जाएगा दोस्तों 2 एज वैलेंसी। ठीक है दोस्तों, इस क्लोरीन का हो गया वैलेंसी 1 और मैग्नीशियम का हो गया वैलेंसी 2। तो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि अभी हम लोग 16 ले लेते हैं किसी का एटॉमिक नंबर, और वो 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। तो सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर हो गया, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट कीजिए, यानी कि 2 8 6। दोस्तों इस तरह से सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहां जो सल्फर को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट किया है, तो पहला सेल में क्या होगा 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 6। तो अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना प्रेजेंट है भाई, तो 6 है, तो ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब बात करें अगर वैलेंसी की, तो वैलेंसी हम लोग कहते हैं जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसे ही हम लोग वैलेंसी कह रहे होते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, इसे थर्ड सेल में 6 है, इसे पूरा कितना करना है भाई, 8 पूरा करना है। तो 8 पूरा करने के लिए ये 2 किसी से ले सकता है, ले सकता है कि नहीं, या नहीं तो इसके पास ऑप्शन क्या है, सेकंड सेल में ही अपना कंप्लीट रहे, अपने आप को स्टेबल रखे, तो 6 इसे लूज करना पड़ेगा। तो 6 लूज करने से अच्छा है 2 किसी से गेन कर ले, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो होप अब आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से अब कभी भी आपको ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन परेशान नहीं करने वाला है।
तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर कोई सजेशन या कोई किसी तरह का शिकायत भी करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट पर लिख के ज़रूर बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना भूले नहीं, क्योंकि जैसे ही उसे प्रेस करेंगे तो फिर हमारे नोटिफिकेशंस आने आपको शुरू हो जाएंगे। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।